टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये प्रेग्नेंट करने का एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। जो महिलाएं नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, वो आईवीएफ की हेल्प से प्रेग्नेंट हो सकती है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको आईवीएफ के बारे में बताने वाला हूं कि आईवीएफ का क्या प्रोसेस होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसमें कितना खर्च आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ क्या है। स्पर्म कमजोर होने की हालत में बच्चे के जन्म से वंचित रहने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1978 में बच्चा पैदा करने की टेस्ट ट्यूब बेबी विधि की खोज की गई। ये विधि अब तक कामयाब रही है और दुनिया भर में इस विधि से लोग बच्चा पैदा करते हैं। इस प्रोसेस में महिला के अंडाशय यानी ओवेरी से अंडों को निकाला जाता है, जिसके बाद उन्हें लैब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन अंडे और स्पर्म के मिलने के बाद बच्चा बनने का पहला स्टेप होता है, जिससे भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है। फिर इस भ्रूण को बढ़ने और विकसित होने के लिए महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में पत्नी के अंडे और पति के स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन दोनों में से किसी के भी अंडे या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक डोनर के अंडों या स्पर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आईवीएफ से कंसेप्शन यानी गर्भ धारण करने का प्रोसेस क्या होता है। आईवीएफ साइकिल शुरू करने से पहले पति और पत्नी के कई मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। पुरुषों के लिए केवल सीमेन की जाँच की जाती है यानी वीर्य की जाँच की जाती है, जिससे स्पर्म्स की क्वांटिटी, क्वालिटी और साइज की जाँच की जा सके। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थोड़े ज्यादा टेस्ट कराने होते हैं, जैसे कि रिजर्व टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड ऑफ ओवरीज, इन्फेक्शन डिसीज स्क्रीनिंग वगैरह। ये सभी टेस्ट कराने के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस शुरू होता है। पहला स्टेप होता है मासिक धर्म को रोकना। कम से कम 2 हफ्तों तक इंजेक्शन में दवाई देकर महिलाओं का मासिक धर्म रोका जाता है, क्योंकि मासिक धर्म के चलते रहने पर गर्भ धारण नहीं किया जा सकता है। दूसरा स्टेप है सुपर ओव्यूलेशन। दूसरे स्टेप में ओवेरी जहां अंडा बनता है, ओव्यूलेशन के दौरान उसे फर्टिलिटी ड्रग दिया जाता है, जिसमें फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं, जिससे ओवेरी नॉर्मल से ज्यादा अंडे पैदा करती है। तीसरा स्टेप आता है अंडे को बाहर निकालना। फर्टिलिटी हार्मोन की वजह से ओवरी में बनाए जाने वाले अंडे को एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। सर्जरी में एक पतली सी सुई महिला की वजाइना से होकर ओवरी तक ले जाई जाती है, जिसमें सुई के आगे लगे सक्शन पंप अंडे को खींचकर बाहर निकालते हैं। चौथे स्टेप में बाहर निकाले गए अंडों को पुरुष के स्पर्म के साथ रखा जाता है। कुछ समय बाद स्पर्म अंडे के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। कई बार अंडों के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है। इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है। स्पर्म जब अंडे के अंदर चला जाता है तो उसे फर्टिलाइज करना शुरू कर देता है। अंडा जब पूरी तरह से फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण का रूप ले लेता है। ये प्रोसेस महिला के ओवरी से निकाले गए सभी अंडों के साथ किया जाता है। पांचवा स्टेप होता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण को अंदर डालना। पांचवे स्टेप में सभी एम्ब्रियो की जांच की जाती है और उनमें सबसे बेहतर एम्ब्रियो को चुना जाता है। डॉक्टर और कपल्स आपस में डिस्कशन करके चूज करते हैं कि कौन सा भ्रूण महिला के गर्भ में जाना चाहिए। अगर बने हुए सभी भ्रूण में से एक भी स्ट्रांग नहीं होता है तो महिला के गर्भ में एक से ज्यादा भ्रूण डाले जाते हैं। भ्रूण को एक पतले से ट्यूब द्वारा वजाइना से होते हुए महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे बच्चे का आकार लेना शुरू कर देता है। इन सभी स्टेप्स के कुछ दिनों के बाद एक टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लेता है। दुनिया में अब तक लगभग 50 लाख से ज्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म ले चुके हैं और लूसी ब्राउन नाम की बच्ची दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी है। चलिए हम बात करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। आईवीएफ साइकिल शुरू करने से पहले आपको इससे जुड़े रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता होना ही चाहिए। पहला साइड इफेक्ट है मेडिसिन का साइड इफेक्ट। आईवीएफ के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन से कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि चेहरे, गर्दन, कान और बाकी शरीर में गर्मी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, सिर दर्द और बेचैनी वगैरह होती है। आईवीएफ का दूसरा साइड इफेक्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देना। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट में एक से ज्यादा भ्रूण को गर्भ में डाल दिया जाता है तो जुड़वा या फिर 3 बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है या फिर सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ सकती है। आईवीएफ का तीसरा साइड इफेक्ट है ओवेरियन हाइपर स्टिम्युलेशन सिंड्रोम यानी OHSS। ये आईवीएफ की एक रेयर कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी ऐसा बहुत कम होता है। ये सिर्फ उन महिलाओं में होता है जो अंडे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ली गई रिप्रोडक्टिव ड्रग्स के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ओवेरी में बहुत सारे अंडे डेवलप हो जाते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं
हैं और ये सिचुएशन काफी दर्दनाक हो सकती है। IVF का चौथा साइड इफेक्ट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आप IVF कर रहे हैं तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का थोड़ा ज्यादा जोखिम रहता है। इसमें भ्रूण गर्भ के बजाय फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। इससे पेट में दर्द हो सकता है जिसके बाद ब्लीडिंग हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं कि IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेस के चांसेस कितने होते हैं। IVF की सक्सेस की चांसेस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि महिला की एज, उसकी फर्टिलिटी, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज, और महिला की पिछली प्रेगनेंसी और IVF क्लिनिक। जैसे कि अगर महिला की एज 35 इयर्स से कम होती है तो उसमें सक्सेस के चांसेस 40% तक होते हैं, जबकि अगर उसकी एज 40 इयर्स से ऊपर होती है तो उसमें सक्सेस के चांसेस 2% तक होते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी अच्छे IVF क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें IVF की सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो IVF की सक्सेस के चांसेस कितने रहेंगे इसके बारे में पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन IVF की सक्सेस के चांसेस 2% से लेकर 40% के बीच में रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कराने का कितना खर्चा आता है। IVF में कितना खर्चा आएगा ये अलग अलग शहरों में अलग अलग क्लिनिक पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप मुंबई में टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं तो उसमें आपको 3 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, जबकि अगर आप हैदराबाद में कराते हैं तो आपको 90,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। तो IVF में 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्लिनिक पर डिपेंड करता है। जितने अच्छे क्लिनिक में आप IVF कराएंगे उतना ही ज्यादा खर्चा आपको देना पड़ेगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि IVF क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।